गाइस वंस अगेन वेलकम बैक इन कैपिटल मार्केट रिसर्च। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बार फिर से जेपी पावर शेयर प्राइस के बारे में, जिसके अंदर आप देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे सेशन में थोड़ा सा ग्रीन में हम लोग को क्लोजिंग मिला, बट पिछले 5 डेज का अगर हम रिटर्न देखें तो पिछले 5 डेज में स्टॉक के अंदर करीब 7.5% की गिरावट हुई है, जबकि क्वार्टर फोर के नंबर जो आए थे कंपनी काफ़ी शानदार आए थे, उसके बाद भी स्टॉक में हमें लगातार गिरावट पिछले 5 डेज से देखने को मिल रहा है। कारण क्या है स्टॉक में गिरावट का, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लस स्टॉक में क्या लेवल हम लोग को आगे चल करके देखने को मिलेंगे, तो सभी बातें इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, देन उसके बाद हम लोग आएंगे इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। देखो, सबसे पहले हम लोग नजर आ रहे हैं कंपनी की बुक वैल्यूएशन पर। देखो, कंपनी का जो बुक वैल्यूएशन है वो 16.70 रुपीज़ पर शेयर है। अभी स्टॉक हम लोगों को मिल रहा है 18.20 रुपीज़ पर। इसका मतलब क्लियर है कि स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो लगभग इसके करंट मार्केट प्राइस के बराबर है। मीन्स अगर करंट प्राइस पर अगर हम लोग स्टॉक बाइंग करते हैं, स्टॉक में कोई गिरावट भी आती है तब भी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोगों को स्टॉक इंटरेस्टिंग वैल्यू पर स्टॉक फिलहाल मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखें, इंडस्ट्री का प्राइस रेटिंग 27 का है, जबकि स्टॉक का प्राइस रेटिंग सिर्फ 8 के आसपास का है। जब मार्केट के अंदर बुल रन आएगा तब आप देखना, ये स्टॉक अपने प्राइस अर्निंग पर 3 टाइम के आसपास ट्रेड करता नजर आएगा। यानी अगर स्टॉक 27 से 28 के पी पर ट्रेड करता है तो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी इसका लगभग 54 रुपये से लेकर 60 रुपये के आसपास का हो जाएगा। तो फिलहाल स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूएशन पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आरओई इसका देखें तो 12% है। इसका मतलब क्लियर है कि जितना ये रिटर्न जनरेट करता है और इक्विटी शेयर होल्डर को पे करता है वो लगभग 12% के आसपास है। मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स को पिछले 3 से 5 सालों में आप इसका एवरेज रिटर्न देखें तो 12% जनरेट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 14% है। इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो 0.37 है। इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी के पास कर्जा 4,240 करोड़ का है, जिसके सामने कंपनी के पास रिजर्व 4,614 करोड़ का है। यानी कंपनी के पास जितना डेट है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, एंड इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के पास 525 करोड़ की है। इसीलिए कंपनी के अदर इनकम भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। प्रमोटर्स होल्डिंग इसके अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज प्रमोटर्स का इसके अंदर जो हिस्सा है वो ऑलरेडी काफ़ी कम है, और कम होने के साथ साथ यहाँ पर इसका 80% प्लेज भी है, जो कि इसकी वजह से स्टॉक के अंदर फिलहाल रैली आते आते स्टॉक में वापस से हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप देखें, कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 8% का है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो इसका 1 के काफ़ी नीचे है। मींस स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड यहाँ पर लगता है। तो कई सारे पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो स्टॉक फिलहाल अंडर वैल्यूड है। बैलेंस शीट में कंपनी के पास कैश काफ़ी सफिशियंट है। अगर लास्ट क्वार्टर्स के नंबर्स देखें तो 1380 करोड़ के रेवेन्यू के सामने इस बार ने 1500 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, एंड ऑपरेशनली कंपनी ने 16% मार्जिन के मुकाबले इस बार 48% का हाईएस्ट एवर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसने रिपोर्ट किया था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक इसके प्रीवियस सभी क्वार्टर्स के मुकाबले सबसे बढ़िया निकल कर के आया है, बावजूद इसके स्टॉक में गिरावट है जो कि सिर्फ नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट है। अदर इनकम अगर आप देखें तो इस बार पॉजिटिव आई है, पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव थी। इसके अलावा कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो 589 करोड़ का है, जो कि अभी तक का प्रीवियस सभी क्वार्टर्स के मुकाबले अपना हाईएस्ट है। तो क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंपनी ने आउटबीट किया है मार्केट को, और जितने भी एनालिस्ट थे उन सभी के जो भी एक्सपेक्टेशन थी उन सभी के ऊपर पानी फिर रहा है। मार्च क्वार्टर में अगर आप देखें, मार्च पूरे 12 महीने का, तो रेवेन्यूज का पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यानी डबल हो चुका है। तो फंडामेंटली कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। 35% के मुकाबले इस बार इसका मार्जिन 33% का है। हालांकि 2% का डिप आया, बट प्रीवियस 2 क्वार्टर्स के मुकाबले आउट परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट अगर 281 करोड़ देखें पिछले साल, तो इस बार कंपनी ने 4 डिजिट का अनरियलिस्टिक प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर आप 4 साल पहले या फिर 4 क्वार्टर पहले भी अगर आप देखें तो शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि कंपनी 1 साल में हम लोगों को 4 डिजिट का प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, बट इस बार कंपनी ने ये करके दिखाया। एंड अभी आप इसकी बैलेंस शीट पर देखें तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास जो रिजर्व है इसका लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। रिजर्व के साथ अगर आप इसकी बोरिंग्स देखें, लाइबिलिटीज़ देखें, तो बोरिंग्स यानी लाइबिलिटीज़ इसकी लगातार घट रही हैं। एक टाइम ऐसा था कि कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ थी लगभग 23,000 करोड़ की थी, जो कि आज लगभग 4,000 करोड़ की रह गई हैं। यानी वर्चुअली कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी इंप्रूव की है। इसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी के पास जो अदर एसेट्स हैं, इसमें हम लोग आते हैं सबसे पहले कैश में। कैश कंपनी के पास बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो वो भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा पहले से इम्प्रूव कर चुके हैं। देखो, लगातार पिछले 3-4 साल से कंपनी के पास 300 करोड़ की रेंज में ही कैश हुआ करता था। इस बार कंपनी के पास 957 करोड़ का कैश है। यानी कैश के मामले में कंपनी काफ़ी एनरिच हो चुकी है। फ्यूचर एक्सपेंशन में या फिर डेट को रीपे करने में कंपनी इस कैश का इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद अगर थोड़ा नीचे हम लोग आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें, यहाँ पर भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोगों को थोड़े से चेंजेस नज़र आ रहे हैं। FIs ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी होल्डिंग को पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बढ़ाया है, 4%, 5% और अब 6% के ऊपर लेके जा चुके हैं। हालांकि DIs ने इस पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है, बट उम्मीद है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग को DIs की इसके अंदर होल्डिंग फिर से बढ़ती नजर आएगी। तो ये तो इसके फंडामेंटल्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर।
तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं शेर खान के चार्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ का अगर आप चार्ट देखें तो बाकी चार्ट के मुकाबले इसकी एक्यूरेसी 99% है। RSI लेवल सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेक्निकली तो नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पर बिल्टअप हो चुका है बिकॉज स्टॉक ओवरबॉट की तरफ जा चुका था। यहाँ से अभी आप देखें तो RSI लेवल पर स्टॉक 50 के आसपास है, 50 और 54 पर लाइन है जो कि इंडिकेट करती है कि स्टॉक ओवरबॉट से निकल के नॉर्मल रेंज में आ चुका है। इसके बाद अगर आप स्टोकास्टिक में देखें ये भी इसका ओवरबॉट से निकल करके नेगेटिव क्रॉसओवर बिल्टअप होने के बाद बॉटम पर आ चुका है। 20 के लेवल पर यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है और अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर बन जाता है तो स्टॉक में यहाँ से हम लोगों को वापस से एक अपसाइड ट्रेंड देखने में मिल सकता है। इसके बाद हम लोग नज़र डालेंगे MACD के ऊपर, तो MACD फिलहाल इसका फ्लैट है, अभी इसको फिलहाल हम लोग न्यूट्रल साइड में रखेंगे बिकॉज ना तो वीकनेस के इंडिकेशन दे रहे हैं ना ही हम लोग को स्ट्रॉन्ग बाय के इंडिकेशन दे रहे हैं। ADX की बात करें तो ADX भी इसका ऑलमोस्ट बॉटम पर है, 20 के आसपास आप इस देखेंगे तो ट्रेंड लाइन पर ग्रीन लाइन आ चुका है जो कि इंडिकेट करता है कि स्टॉक में बाय एंड होल्ड हम लोग को करना चाहिए। इसके बाद अगर आप वॉल्यूम पर नज़र डालोगे तो वॉल्यूम जो ब्रेकआउट हम लोग को मिला था जनवरी मंथ के अंदर फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में वो यहाँ पर वॉल्यूम हम लोग को गायब होता नज़र आ चुका है। तो एक चीज़ क्लियर है कि स्टॉक में अगर यहाँ पर रेड बार बड़े नहीं बन रहे तो इसका मतलब स्टॉक में कोई हैवी सेलिंग नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है स्टॉक में जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा थोड़ा नीचे फिसलता है। तो ये जो गिरावट है बहुत स्लो गिरावट है और नेगेटिवली एक्सक्यूज को हम लोग बोलेंगे क्योंकि जब चढ़ता है तो इसकी जो स्टीपर कर्व होती है काफ़ी स्टीपर होती है और जब गिरता है तो स्टॉक की जो कर्व होती है फ्लैटर होती है, इसीलिए इसको लोग नेगेटिवली एक्सक्यू बोलेंगे जो कि हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है कि स्टॉक में जब तेजी आएगी तो स्टॉक हमें रिटर्न कुछ दिनों में अच्छी बना के देगा, गिरावट आएगी तो स्टॉक में हफ्तों लगेंगे उस रिटर्न को इरोड करने में। तो अभी यहाँ से आप देखें तो स्टॉक का जो सपोर्ट बन चुका है वो स्टॉक का 15 रुपये से लेकर 16 के स्ट्रॉन्ग रेंज है। इस रेंज में अगर स्टॉक आ जाता है तो इसमें हमें बेचना नहीं है, स्टॉक और एडिशन करना है। स्टॉप लॉस की वैसे ज़रूरत है नहीं है बट फिर भी अगर आपको लगाना ही है तो आप 14 रुपीज़ का लगा के चल सकते हैं जो कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। अगर 18 के लेवल से भी अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो बट इतना करना कि जिससे कि अगर स्टॉक इस रेंज में आता है तो आप थोड़ा बहुत और एडिशन करके चल सको। इमीजिएट रेजिस्टेंस स्टॉक का यहाँ से 22 रुपीज़ का बन चुका है जिसको पार करने पर स्टॉक हम लोग को नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करता नजर आएगा जो कि स्टॉक का 26 से लेकर 28 की रेंज है। इस रेंज को पार करने पर स्टॉक हमें एक्सपेक्टेड है कि आगे चल करके जो टारगेट दे सकता है 40 प्लस के टारगेट दे सकता है। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो स्टॉक का हमारा टारगेट 3 डिजिट का है, यानी स्टॉक आपको आने वाले कुछ दिनों में 100 प्लस के ऊपर ट्रेड करता नजर आएगा। सो गाइस ये तो थे आज फिलहाल JP पावर के बारे में। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है किसी भी स्टॉक को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की। सो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।